उधर लिखे बाबा सिर हिंसा का भी इलाज होता है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं टोकन है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी मैं हूँ कवर्धा जिले के प्रतापपुर गांव में। आप देख सकते हो प्रतापपुर गांव यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों हर बुधवार को सिलहाटी वाले बाबा यहीं पर आता है ट्रीटमेंट करने के लिए। तो दोस्तों आज हम आए हैं फिर से कवर करने के लिए। जैसे आप सभी लोग जानते हैं पिछले एक डेढ़ महीना से हो गया पूरी तरीके सिलहाटी बाबा के बारे में आप लोगों को ए टू जेड जानकारी दे रहा हूँ, कैसे और किस तरीके से इलाज कर रहे हैं। अलग अलग वीडियो अलग अलग जानकारी के जरिए से आप लोगों को तक पहुंचा रहा हूं। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कहाँ के रहने वाला है, कौन सा जगह के रहने वाला है, क्या इलाज करता है इसे करके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी हम चलते हैं प्रतापपुर जहाँ पर इलाज हो रहा है। अभी हम खुद हैं प्रतापपुर, देख सकते हैं कवर्धा जिले के आसपास पड़ता है सिलहाटी वाले बाबा। हर बुधवार को प्रतापपुर आता है अपने गाँव से, लगभग वही 4-5 किलोमीटर दूर होगा। तो यहाँ पर जो इलाज का करने का प्रबंध अच्छी तरीके से इस वजह से यहाँ पर आता है। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं अंदर, हम घुस के देखते हैं। अभी गांव के अंदर तो गए नहीं है, तो चलिए वहां का ब्लॉग आपको लोगों के ए टू जेड जानकारी देते हैं। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों अभी हमें सिलहाटी वाले बाबा के पास आए हैं प्रतापपुर। देख सकते हैं यहां का व्यू वगैरह, और यहां पर टोकन कट रहा है। देख सकते हैं यहां पर, यहां का व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से सिलहाटी से अच्छा है। यहां पर देख सकते हैं टोकन कट रहे हैं। तो चलिए टोकन के बारे में जानते हैं भैया से, ठीक है ना, क्या कैसे और किस तरीके से टोकन कट रहा है, कितना रुपए ले रहा है, टोकन काट रहे हैं इसमें क्या क्या, कितना ले रहा हो, क्या क्या लिखा रहा है इसमें। ये सामान्य टोकन है भैया, 20 रुपए टोकन का। हाँ, और 30 रुपए नरियल अगरबत्ती। नरियल यहीं से दे रहे हो? हाँ यहीं से दे रहे हैं। ऐसे क्या, कितना टोकन कट चुका है अभी तक? अभी 136 हमारे पास कट गए, भाई मान के पास हथके। अरे दादा, 3-4 साल हो गए? लगभग 400 लगभग। कितना दिन से हो गया टोकन कटते हुए? ये 5-6 हफ्ता हो गए। 5-6 हफ्ते? हफ्ता में एक बार रहती है, बुधवार से। ऐसे हफ्ता में बुधवार? यहाँ शिविर लगते हैं बाबा जी के। कैसे नाम भी लिखा है? तो एक टोकन पति जरूरी नहीं है ज्यादा, बीमारी जरूरी है। ये सहयोग राशि 20 रुपए के। तो ये देख सकते हैं टोकन है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बंद है। सब लोग ये लोग सब काम कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ कभी वगैरह टोकन। बिना टोकन भी इलाज नहीं हो पाएगा ना भैया? नहीं हो पाता भैया। तो ये ठीक है, सिलहाटी में जनरली हम लोग ये सब कुछ देखे नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा एकदम भीड़ हो जाता है। देख सकते हैं आँख भी वगैरह। अभी बाबा नहीं है, कितना टाइम में आएगा बाबा? वैसे 10-10 के आसपास आएगा। 10-10 के आसपास आएगा। तो दोस्तों आप यहीं आना, मस्त रहेगा। प्रतापपुर में बुधवार को आता है, ठीक है ना, और हर प्रकार की बीमारी का इलाज होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 11 बजे से वही 4-5 बजे तक रहता है। तो ये टोकन कट रहे, ठीक है, मस्त है। जिसके पास टोकन उनका इलाज होगा, जिसके पास नहीं है तो नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं नारियल वगैरह पूरा ट्रैक्टर में भरा हुआ है। यहीं से नारियल और टोकन ले जा रहे हैं, 50 रुपये दे रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है प्रतापपुर का व्यू। ये सब देख सकते हो, सिलहाटी वाले बाबा से इलाज करवाने के लिए आए हैं। चारों तरफ का व्यू आप देख सकते हो। यहाँ पर मैनेजमेंट है बहुत अच्छी तरीके से, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। देख सकते हो 1000-2000 आदमी आ गए होगा भाई। और यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी तरीके से, देखो सब टेंट में लिखा है, गोद भराई वाला है, यहाँ पर इलाज होगा। और वहाँ पर लिखा है ऑपरेशन वाला, और उधर लिखा है बाबा सिर, और ये है कैंसर वाला। तो कैंसर का भी इलाज होता है यहाँ पर, ए टू जेड बीमारी का इलाज होता है, ठीक है ना। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कौन कौन सा बीमारी का इलाज होता है इसे करके। तो ए टू जेड बीमारी का इलाज होता है भाई, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर पंडाल बना है अच्छी तरीके से, देख सकते हैं पूरी तरीके से, यहाँ का भी वगैरह देख सकते हो। ये सब पंडाल में बैठे हुए हैं, और अभी 12 बज चुके, बाबा अभी तक आया नहीं। रीजन है कि अपने गाँव से यहाँ आता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ का व्यू वगैरह कैसे और किस तरीके से, कितना ज़्यादा भीड़ हो गया। ये सब चारों तरफ से देख सकते हैं यहाँ का क्लाइमेट कैसे और किस तरीके से है, पूरा भीड़ लग चुका है भाई अभी भी। अंदर कभी यहाँ पूजा करने के लिए आया।
नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक सीजीडी। तो दोस्तों अभी हम है कवर्धा जिला के प्रतापपुर गांव में। जैसे आप देख सकते हो अभी हम है सिलहाटी वाले बाबा के धाम में और अभी हम खुद हैं वहां पर जहां पर इलाज कर रहा है प्रतापपुर में। और इससे पहले अपने घर में सिलहाटी में इलाज करता है, लेकिन अभी आज हर बुधवार के यहाँ पर आता है प्रतापपुर में। उन्हीं में से एक है हमारे साथ भैया जिनने अभी अभी इलाज करके बाबा जी गए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़े प्लस पॉइंट क्या बना था वहां नहीं, कोई नहीं बनाना है।